नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना से लड़ने की फाइनल तैयारी पूरी और नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी यानी कि सिर्फ वैक्सीन नहीं आया बल्कि वैक्सीन को इजाजत भी है। और ये दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन को अंजाम दिया गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में हर जगह पर इस तरह के ड्राई रन हुए हैं जो ये बताते हैं कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। अभी तक जो तैयारियां सामने आ रही हैं वो एक ही संकेत दे रही हैं कि दुरुस्त है तैयारी, अब है वैक्सीन लगने की बारी। देश को अब वैक्सीन मुबारक। कल कोविशील्ड, आज स्वदेशी को वैक्सीन मुबारक। ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब हमारा नया अगला कदम शुरू होता है कि हम ये सारी वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को कैसे लगाएंगे। वैक्सीन की खुशियां मुबारक। वैक्सीन का ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। ये ड्राई रन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर दिन 100 लोगों को जो वैक्सीनेशन होना है वो किस तरह से तैयार रहेंगे, किस तरह से कोई दिक्कत ना होने पाए। नो, आई एम एक्चुअली इनसाइड द ड्राई रन फैसिलिटी वेयर आई एम एट द वैक्सीनेशन बूथ, इफ आई कैन से मोर करेक्टली। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहीं पे वैक्सीन दी जाएगी। ये ड्राई रन के बाद जब जो आशा वर्कर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यहाँ पे इस तरीके से वैक्सीन लगवाएंगे। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप एक वॉलंटियर को देख रहे हैं जो इस वक्त बाहर निकलकर आ रहे हैं ड्राई रन का हिस्सा बनके। यहाँ आप देख रहे हैं जो एक मेडिकल स्टाफ मौजूद है वो ड्राई रन खत्म होने के बाद इनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। वैक्सीन के टीके की इजाजत मुबारक। जो प्रायोरिटाइज की हुई है उनका पूरा रोल आउट करने का जो चैलेंज है हमारे देश में वो अब शुरू होता है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये वैक्सीन हमारे पास अप्रूव हुई है वैसे और जो वैक्सीन फाइनल स्टेज में है वो भी आ जाएंगी, जिससे नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाएंगे और हमें सब लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। वैक्सीन की जीत मुबारक। 70% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्चुअली इम्यूनिटी आए और वो इम्यूनिटी अगर वैक्सीनेशन से आती है तो वही सेफ और इफेक्टिव बात होती है। पूरा देश एक साथ कोरोना से लड़ा, पूरा देश अब एक साथ कोरोना पर विजय की अंतिम लड़ाई का साक्षी बन रहा है। तो अंदर आप गए, क्या क्या हुआ वहाँ पर आपके साथ? और देखिए, पहले एंट्री से पहले तो वही जो प्रिकॉशंस मेजर लेने होते हैं वो उन्होंने लिया, सब लोगों ने बोला लाइक जाने से पहले वही हैंड सैनिटाइजर वगैरह एंड एवरीथिंग इट वॉज डन। देन हम लोग वहाँ पर गए अंदर, हमें पहले वेटिंग एरिया में वेट करवाया गया, उसके बाद हमें जो एक्चुअल वैक्सीन रूम है वहाँ ले जाया गया। वहाँ पहले उन्होंने हमें एक ओरल काउंसलिंग दी कि पहले हमें क्या क्या करना है, अगर हमें वैक्सीन लगाने के बाद कुछ होता है तो हमें किस नंबर पर कॉल करना है, और ये भी बताया गया कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको हाफ एन आवर वेट करना है, जो उन्होंने एक वेटिंग लाउंज बना रखा था ताकि अगर कुछ रिएक्शन होता है तो दे विल नॉट डू समथिंग। प्रोसेस ठीक से चल रहा है, हमने लगभग 25 बेनिफिशियरी हर साइट पे, दो साइट है तो लगभग 50 बेनिफिशियरी को आज टीकाकरण देने की पूरी तैयारी हम परख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर डेस्क पे जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाना है वहाँ पर क्या जो इंजेक्शन लगा रही थी अभी महिला डॉक्टर, क्या वो सिंबॉलिक है या किसी और तरीके का इंजेक्शन दिया जा रहा है या फिर ड्राई रन की तरह ही खाली इंजेक्शन ही है? नहीं, केवल सिंबॉलिक है, इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इंजेक्शन लगाया नहीं जा रहा, बट इंजेक्शन लगाने की पूरी तरह से एक तरह से साइट को क्लीन करना, स्वैब से साफ करना और इंजेक्शन लेना, बस लगाया नहीं जा रहा है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड। जैसे 0.5 ml डोज है, बाएं हाथ में देना है, इंट्रामस्कुलर देना है। आप लोगों को बता दिया जी, कहाँ लिया आप लोगों ने? यही PHC जी। आपको लगता है कि आज तो ड्राई रन है लेकिन जब वाकई में रियल में ये काम करना पड़ेगा तो आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है देश की? हाँ, तो भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा सर, और ये देखना पड़ेगा वैक्सीन कितना है उसके हिसाब से, वो तो हमारे पास लिस्ट आएगा, इतने को देना है तो आज जिनका लिस्ट है उतने का ही ये करना है वैक्सीन जी। मंजूरी मिलने का इंतजार था, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वैक्सीन का उत्साह इतना बड़ा था कि टीकाकरण की तैयारियां उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहले देश के 4 राज्यों में ड्राई रन करा के ये देख लिया गया कि ऑल इज वेल, और अब पूरा देश वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए जन जागरण का हिस्सा है।
सही मायनों में अब हिंदुस्तान वैक्सीन की बुलंद कामयाबियों के ऊपर खड़े होकर दुनिया से कह सकता है हैप्पी न्यू ईयर दुनिया, हैप्पी वैक्सीन ईयर दुनिया, हैप्पी हिंदुस्तान के दम वाला ईयर दुनिया। ये बहुत ही अच्छी खबर है और जहां तक हमारा कोरोना से जंग चल रहा था इसमें कुछ हद तक हम लोगों को इसमें अब सफलता आपको मिलेगी। आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा अनुभव भारत में है, हमारे ड्राई रन्स, बड़े ड्राई रन्स हो चुके हैं स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में, पोलियो इरेडिकेशन में, बीसीजी में। और जब ये पहले ड्राई रन्स हुए थे, आप पूछ रहे थे गाँवों के बारे में, तब जो वैक्सीन थे वो छोटे छोटे गांव में गए थे जहां प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसीज होते हैं, तो इसमें बहुत ही अनुभव है। देखिए ये आज जो ड्राई रन था इसका मकसद यही था कि जो चैलेंजेस आते उस दिन एक्चुअल में वो प्रिवेंट हो सकें, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम टाइम में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए, एक दूसरा वैक्सीन वेस्टेज ना हो, क्योंकि अगर वो हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वैक्सीन वेस्टेज होगी। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित एक मैटर्निटी होम है जहां पर हम इस समय हैं, इसे एक वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है और इसके दौरे के जरिए हम आपको बताएंगे कि दरअसल तैयारियां कैसी हैं। ये काउंटर नंबर वन जहां पर पूरी सूची होगी उन लोगों की जो आएंगे, लोग यहां पर इस वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। इसके बाद जो भीतर दूसरे एरिया में आप दाखिल होंगे वहां पर काउंटर नंबर टू आपको दिख रहा है, जो कोविन ऐप जिसकी जिस उसका भी ड्राई रन चल रहा है और उस कोविन ऐप के जरिए जो लोग हैं वो सीधे सीधे कनेक्ट कर सकेंगे और आगे तक उन्हें मॉनिटर किया जा सकेगा। तो यहाँ उस काउंटर नंबर टू पर वो चीज़ें होने वाली हैं और उसके आगे जो है वो वैक्सीन जो दिया जाएगा, वैक्सीनेशन जब लोगों का होगा, जो यहाँ पर लोग आएंगे जिनकी सूची है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक इस वेटिंग एरिया में वो रहेंगे जहाँ पर उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आपके आ रहे हैं। जिस तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर मेडिकल स्टाफ का हुआ है, एक ही बात पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं, हम तैयार हैं, बस वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। पूरे देश में इस पैमाने पर ड्राई रन ये स्पष्ट करता है कि सरकार की टीकाकरण तैयारी कितनी विस्तृत है, राज्य स्तर पर कैसे कैसे बंदोबस्त किए गए। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले देश के चार बड़े राज्यों में ड्राई रन की मिनी रिहर्सल हो चुकी थी। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम मौजूद हैं लोहिया इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर आज कुल 25 सैंपल्स को ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से लिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होनी है। सबसे पहले ये डेस्क है जो कि आइडेंटिफिकेशन और आईडी चेक के लिए बनाई गई। यहाँ पर बाकायदा एक लिस्ट है जिसमें पहले से ही रजिस्टर्ड लाभार्थियों की नाम और उनकी जानकारी है। ये पहला रूम है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करवाएंगे जिसको वैक्सीन लगना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस कमरे में यहाँ पर कोविड-19 की जो वैक्सीन सरकार ने जो अप्रूव किया, जब वो फाइनली लगी गई तो इसी कमरे में जिन लोगों को लगाई जानी है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक एग्जिट रूट यहाँ पर बनाया गया है। पूरे देश में साल 2020 के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर अच्छी खबर सुनाई थी और अब देश उसी खबर को और भी बड़े रूप में एंजॉय कर रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, 2020 की वो पहचान बन गई। लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो उम्मीद जताई थी, देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसी पर विश्वास की मुहर लगाकर खुशियों का अनौपचारिक ऐलान भी कर दिया। बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 के नववर्ष की शुरुआत एक खुशखबरी से हुई है कि हमारे देश को ये वैक्सीन आज अप्रूव हुई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है। अप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि ये कार्रवाई शुरू हो सकती है 2-4 दिनों में ही, क्योंकि अब जैसे कल से तो वो डमी या जो चल रही है प्रैक्टिस,
कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस चलेगा और सारे इंडिया में इसका कल से प्रयास हो रहा है, तो इसका मतलब आने वाले 3-4 दिनों में इसकी उपलब्धि हो जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भारत जैसा विशाल देश और उतनी ही बड़ी चुनौतियां, उतनी सारी बीमारियां, हमने बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स को अंजाम दिया है। अभी कोरोना के समय जितना अनुभव हमारे पास है उतना दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ड्राई रन्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये है एक डीप फ्रीजर जहां पर सब जीरो टेम्परेचर्स में चीजों को स्टोर किया जाता है, लेकिन जिस पहली वैक्सीन को इजाजत मिली है वो तो 2 से 8 डिग्री के बीच उसका तापमान मेंटेन करना है। तो ये जो ILR है यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, इसमें उस वैक्सीन को रखा जाएगा। वैक्सीन अरेंजमेंट के लिए ये चीज है यहां से उसके बाद, ताकि पूरी किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसीलिए आपको उस टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। और इसीलिए फाइजर जैसी वैक्सीन जो -70 पर स्टोर होनी है वो अभी भारत के लिए उतनी सही नहीं है। पहली वैक्सीन जिसे इजाजत दी गई है वो इन ILRs में रखी जाएगी और को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और यहीं से, यहीं पर इसी कक्ष में ऐसे ही देखिए कई जगहों को तैयार किया गया है और सब अपना जी जान लगाकर इस समय यही कोशिश कर रहे हैं कि एक भी चूक, एक भी गलती ना हो, तो हर जगह पर आपको ऐसी ही तैयारी नजर आएगी। वैक्सीनेशन रूम से टीका मिलने के बाद जब व्यक्ति बाहर की तरफ आएंगे तो उनको यहाँ पर ऑफिसर्स तैनात भी मिलेंगे और उनको वेटिंग रूम की तरफ, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो रूम है, अब टीका लगने के बाद यहाँ पर बैठने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर जो आधे घंटे का समय होगा जब यहाँ पर बैठना होगा, वैक्सीनेशन ऑफिसर्स यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना रहे, किसी भी तरह का कोई गलत रिएक्शन उन पे ना रहे। पूरा जो प्रक्रिया है टीकाकरण का वो पूरा हो जाएगा। इस तरह के सेंटर्स जो हैं करीब 7 बनाए गए हैं यहाँ पर जयपुर में, जहाँ पर अलग अलग इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो आपको हमने पूरा बताया समझाया कि एक व्यक्ति अगर टीकाकरण के लिए आता है जेके लोन अस्पताल में, उसे कितना वक्त लगेगा और किस किस प्रोसेस से उसे गुजरना होगा। एक नया इतिहास बनने को है और ये ड्राई रन उसी इतिहास के बनने से ठीक पहले की अंतिम प्रक्रिया। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान दुनिया देखेगी और देखेगी भारत के प्रबंधन को। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों ने अपने 2-2 शहरों को चुना है। इन 2 शहरों में वैक्सीन शहर तक कैसे पहुंचेगी, उस रास्ते और टाइम की रिपोर्ट तैयार हो रही है। शहर से अस्पताल तक कैसे वैक्सीन जाएगी, क्या रखरखाव होगा, कैसे वैक्सीन दी जाएगी, ये सब भी देखा जा रहा है। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो कोविन मोबाइल ऐप बनाया है उसका भी ट्रायल है। दरअसल इसी ऐप के जरिए जिन्हें वैक्सीन देनी है उन्हें मैसेज आएगा और फिर अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को डोज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। So, आप 2 बातें देखेंगे। एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए ये पहली बार नहीं है कि इतनी के बड़ी ड्राइव हो रही है वैक्सीनेशन के लिए। ये हमारे यहाँ पहले भी हमने कई कई बार ये शिकस्त दी है वायरसेस को। हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी है और इसकी प्लानिंग जो है वो काफी दिनों से, काफी हफ्तों से चल रही है। भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर दुनिया की नजर है और किसी भी चूक का मतलब देश की छवि के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरे वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की अफवाहों और भ्रमों को फैलाया जाना शुरू हो चुका है उसके कारण अंतिम समय में गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है, अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा भी ना फॉरवर्ड न करें। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन,
मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हम ये कहते हैं कि ICMR इस बात पे वजाहत करे कि क्या उसके अंदर सुअर की चर्बी है या नहीं है। अगर ये नाजायज और हराम चीज है और ये पक्की बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि नाजायज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियां और भी इलाज मौजूद है। वायरस के नए नए स्ट्रेन्स मिलने और रोज भारत में उसके संक्रमितों की संख्या बढ़ते जाने के कारण देश की चिंता स्वाभाविक है, और ये चिंता बार बार कह रही है कि समय कम है, काम बहुत ज्यादा, इसीलिए इन ड्राई रन्स को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, शहरों के अलावा निजी स्वास्थ्य सुविधा और गाँवों तक वैक्सीन की पहुँच को देखा जा रहा है, ताकि कोई नई चुनौती सामने आए तो समय रहते योजनाओं में जरूरी बदलाव कर लिए जाएं। सारी चीजों का कितना बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है, देखिए जैसे ये वैक्सीनेशन सेंटर है तो इसमें जो आने का रास्ता है और जाने का रास्ता है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो वैक्सीनेशन जिन्हें मिल चुकी है और जिन्हें नहीं मिली है उन पेशेंट्स के बीच कोई मिक्सिंग न हो। भारत इसी तरीके से हर एक चीज का ख्याल रखकर आगे बढ़ रहा है, और इसी में वो कारण छुपे हैं कि आखिर क्यों कोविशील्ड को ही सबसे पहले इजाजत दी गई। इंतजार पल पल का था, जो धीरे धीरे जितना घटता गया उसकी व्याकुलता उतनी ही बढ़ती गई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पर अधिकतर लोग अपना दांव लगाए बैठे थे कि उसे ही सबसे पहले मंजूरी मिलेगी, और उसके ठोस कारण भी थे। दिसंबर 2020 में केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी के सामने तीन वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी, जिनमें भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन तीसरे चरण की ट्रायल में थी, अमेरिका की फाइजर कंपनी ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था लेकिन उसका आधार ब्रिटेन में मिली मंजूरी थी, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, इस वैक्सीन को भी ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी, जिससे भारत में बनी इस वैक्सीन को मंजूरी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इस वैक्सीन के करीब 100 करोड़ डोजेज की सप्लाई कम आय वाले देशों में होनी है, साल भर में इस वैक्सीन के 300 करोड़ डोजेज की इंटरनेशनल सप्लाई होगी। ये वैक्सीन दो बातों में बाकी वैक्सीन से अलग है। पहली बड़ी बात, इस वैक्सीन की कीमत कम है, इसका एक डोज अनुमानित तौर पर $3 से कम है, जबकि अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कम से कम 6 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही। दूसरी बड़ी बात, इस वैक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, इसे आसानी से एक फ्रिज में रखा जा सकता है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह इसे शून्य से नीचे तापमान में रखना जरूरी नहीं है। इस वैक्सीन की डिमांड इसीलिए है क्योंकि इसे कम आय वाले देश भी अफोर्ड कर सकते हैं, और कोई ज्यादा संसाधन लगाए बिना और ज्यादा पैसा खर्च किए बिना इसे आम लोगों तक पहुंचा सकता है। कोविशील्ड जिस इंस्टीट्यूट में बनी है वहाँ अलग अलग बीमारियों की करीब 20 वैक्सीन्स और बनती हैं। दुनिया के लगभग 60% बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में बनी कोई न कोई वैक्सीन जरूर लग चुकी होती। ₹70% वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर में से एक है, और COVID-19 की वैक्सीन यहाँ उम्मीद से भी तेज रफ्तार से बन रही है। ये लगभग ऐसे 2000 करोड़ की स्टॉक हमने बनाई है, 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है, क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है, दो डोज की वैक्सीन है, तो इसलिए 25 मिलियन लगभग लोगों को ये टीका लगा सकता है।
वैक्सीन कल तक ख्वाब थी, लेकिन अब एक हकीकत है। और जो सवाल सबके मन में था कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे टीका लगेगा, उसका प्रबंध भी सरकार ने युद्ध स्तर पर कर रखा है। जल्द ही देश के पास कई और वैक्सीन की मंजूरियां होंगी। इतना जरूर है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी, कुछ नियम और सख्ती से फॉलो करने हो सकते हैं। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं। और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ड्राई रन्स की वजह से कितनी फुल प्रूफ हो चुकी है, और साथ ही ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। देखते रहिए आज तक। कोरोना की शुरुआत से हमने देखा कि एक तरफ देश लॉकडाउन में रहा, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी दोनों हमेशा आगे आगे रहे, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पर रहा हमेशा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब वैक्सीनेशन की ड्राइव की शुरुआत होगी, और उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। जो सूची अभी तैयार हुई है, और दिल्ली जैसे शहर में जहां पर लगभग 665 सेंटर्स को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर ये ड्राइव होगी, और उसमें दिल्ली का ये श्रीनिवासपुरी का मेटर्निटी होम जहां पर पूरी तरीके से उसका कायाकल्प किया जा चुका है, यहां पर ये जो तैयारियां हो रही हैं, और वहां पुणे में वो सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर वो वैक्सीन बन रही है, वहां भी आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहां की तैयारियां किस तरीके से वो छोटी छोटी शीशियां जीवनदायी बन रही। बहुत इंतजार किया है दुनिया ने वैक्सीन का, अब तक तस्वीरों में ही देखी है कांच की जगमगाती छोटी छोटी शीशियां। आज हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां तैयार हो रही है हमारी दो डोज जिंदगी की। हर शीशी में करोड़ों लोगों की आस है। हर शीशी में करोड़ों लोगों का विश्वास है। हर शीशी दुनिया के लिए अनमोल है। ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो हर शीशी बेहतर जिंदगी की एक उम्मीद। उम्मीद तो कर सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। मैं भी इस ट्रायल का हिस्सा था 9 महीने पहले, जब हमने ये ट्रायल में हिस्सा लेने का कंसेंट फॉर्म साइन किया था और हिस्सा लिया था मई जून में। तब पता नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर ऑल इस जर्नी के बाद अभी ये सक्सेसफुल हुआ है और अभी अप्रूवल हुआ है, तो आज बहुत बड़ा दिन है। कोरोना की लड़ाई भारत ने काफी बेहतर ढंग से अब तक लड़ी, जिसकी गवाही आंकड़े खुद ब खुद दे रहे हैं। जब भारत में एक दिन में 5,091 केस आए, तब सही होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 49.36% था, और जब प्रतिदिन केस दोगुने हुए यानी 10,867, तब देश का रिकवरी रेट 56.44% रहा। लेकिन एक समय जब संक्रमण की संख्या देश के माथे पर चिंताओं के बल डालने लगी और केस 95,432 तक पहुंचे, तब 94.49% के रिकवरी रेट ने लड़ाई जीतने के विश्वास को हारने नहीं दिया। अब जब लड़ाई सफलता से टीकाकरण की है, तब भी देश पूरी तरह तैयार दिख रहा है, जो एक शुभ संकेत है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में कैसे बन रही है कोविशील्ड वैक्सीन। हम आपको बताएंगे कि क्यों है भारत में निर्मित वैक्सीन दुनिया की गेम चेंजर, क्यों है भारत में बनी वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित,
वायरस के नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर है ये वैक्सीन, कितने की पड़ेगी ये वैक्सीन, कैसे तैयार की है जिंदगी की उम्मीद वाली वैक्सीन, आइए चलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और तलाशते हैं हर सवाल का जवाब। तो ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसे चुनने की बहुत सारी वजहें थी जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब सरकार जो ये वैक्सीनेट कर रही है उसकी प्रक्रिया के साथ साथ क्या एक आम इंसान को जो उस सूची में शुरुआत में नहीं है क्या उसे मिल सकती है ये वैक्सीन, और अगर मिल सकती है तो उसकी कीमत क्या होने वाली है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देखिए। जब वैक्सीन पर भरोसे का सवाल आता है तो दो बातें मन में आती हैं। क्या वैक्सीन ठीक तरह से बन रही है और क्या वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। आइए पहले ये जान लेते हैं कि क्यों वैक्सीन के बनने को सुरक्षित माना जा रहा है। तो ये फाइनल स्टेज है, प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं, मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। हाँ। और इसके बाद आप इसको फिर तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा, उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं, और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा और गवर्नमेंट के कोल्ड रूम्स में स्टोर होगा। अब बताते हैं आपको कि क्यों कोविशील्ड वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है, और ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें, और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन्स में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। हम यहाँ एक बार फिर ये आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के कुछ नियम हैं और जब तक उन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाएगा खतरा बना रहेगा, यानी दवाई के साथ नियमों की कड़ाई बहुत जरूरी रहेगी। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसकी डोज को लेकर भी कुछ नियम है, और उनका बेहद सावधानी से पालन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा। को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है, आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद ऐसे ही लगवा नहीं सकते, तो आपको सिर्फ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाके ये लेनी पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के सीईओ अदार पूनावाला का ये भी कहना है कि वैक्सीन की आपूर्ति सरकार की जरूरत से की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में वो मेडिकल स्टोर्स पर भी जल्द ही मिलना शुरू हो सकता है, और तब वैक्सीन को लेकर कीमत भी तय की गई। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी, वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए हैं। प्राइवेट सप्लाइज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1,000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा, उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2,000 रुपए हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है,
उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी। सरकार को व्यापक कार्यक्रम चलाना है, इसी के चलते सारे बिंदुओं का अध्ययन कर लिया गया है और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। देश को बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा ये भी संभव है कि जल्द ही कुछ और वैक्सीन को भारत में आपात मंजूरी मिल जाए। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, जो डॉक्टर रेड्डी लैब जो है जिसके ऊपर ट्रायल कर रहा है, वो भी काफी एडवांस स्टेज पे है, उसका भी डेटा आने वाले कुछ हफ्तों में निकल आएगा। तो इसीलिए हमारे को हिंदुस्तान में उम्मीद ये है कि भारत जो ये सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो भारत बायोटेक बना रहा है, और अगर जो स्पुतनिक भी खरा उतरा तो ये हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। देश दुनिया के तमाम डॉक्टर्स वैक्सीन की खबरों से खुश हैं और किसी भी तरह की अफवाह से सावधान रहने की ताकीद कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो ड्राई रन चल रहे हैं वो सफल ही हैं और संकेत भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर, इसकी एफिकेसी को लेकर किस तरह के संकेत हैं, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जब गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ही आए यहाँ पर ड्राई रन का जायजा लेने के लिए, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि देश में सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी। लेकिन ये फ्री वैक्सीन की जो बात होती है तो वो है जब तक सरकार की ये ड्राइव चल रही है आम लोगों तक पहुंचने पर भी। कोविशील्ड कम से कम बाकी वैक्सीन की तुलना में बेहद सस्ती वैक्सीन है, लेकिन क्या सस्ते होने के कारण इसके प्रभाव पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मन में एक आम सा सवाल ये उठता है। तो आइए आपके मन की इस शंका का समाधान हम करते हैं। एक बात बार बार लोगों के मन में उठ रही है वो ये कि कोविशील्ड सस्ती है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये ज्यादा प्रभावशाली ना हो। आइए आपको कोविशील्ड की क्षमता बताते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी 70% है, यानी वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। इसके मुकाबले फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94% तक प्रभावी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज्यादा प्रभावी है तो उसे कारगर माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी तब ज्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज। ये 50% 100% का क्या लॉजिक है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली। जो पॉइंट इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और गैप रखें, 2-3 महीने के बाद आप जो सेकेंड डोज लेंगे, तो उसमें वो ग्रुप में ये 90% एफिकेसी का रिजल्ट आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी वैक्सीन भी 90% एफिकेसी है, और ये आधा डोज और फुल डोज का कंफ्यूजन हम इसमें नहीं डाल रहे हैं कि हम भी जो अभी लाइसेंस के लिए जाने वाले हैं वो फुल डोज के लिए रहने वाले। तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो वैक्सीन होगी वो दोनों बार आप पूरा डोज लगाएंगे, जो यूके में हो रहा है कि हाफ डोज फुल डोज, वो इंडिया में नहीं रहेगा? वो इंडिया में नहीं रहेगा, इंडिया में फुल डोज रहेगा। हम खाली सिर्फ इतना रेकमेंड करेंगे लोगों को कि पहले डोज और दूसरे डोज में थोड़ा गैप रखिए, और 2-3 महीने के बाद जो सेकेंड डोज लेंगे आप, तो फिर ये एफिकेसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये हम रेकमेंड। नहीं, पर पहला टीका लगा 2 महीने पहले, दूसरा टीका 2-3 महीने बाद, बीच में क्या होगा मेरा? बीच में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कितनी प्रोटेक्शन? बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। हमने देखा है कि पहले डोज में भी बहुत सारी प्रोटेक्शन लगती है। लगभग 80% के लोग जो पहला डोज लेते हैं उनको दूसरा डोज लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर ये हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि किसको क्या इफेक्ट होगा, इसलिए सब लोग को 2 डोज जरूरी लेना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के जब नतीजे आए थे तो ये बताया गया था कि एक बड़े ग्रुप में हुए ट्रायल में जब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 2 डोज 1 महीने के अंतराल पर दिए गए तो वैक्सीन 62% तक प्रभावी साबित हुई। एक छोटे ग्रुप को जब वैक्सीन की 1 डोज और फिर 1 महीने में आधी डोज दी गई तो ये 90% तक प्रभावी साबित हुई। हालांकि अब तक इसका कारण नहीं पता चला है कि कम डोज देने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी क्यों है। ब्रिटेन में कई अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाए, यानी 3 महीने में दूसरी डोज दी जाए, तो ये वैक्सीन 80% तक प्रभावी है। वहां वैक्सीन के 2 डोज वाले इलाज को अप्रूवल मिला है। अब वैक्सीन भी है और टीकाकरण की तैयारी भी अंतिम रूप में।
हम सब के लिए तो अलग अलग त्योहार रहे, वैक्सीन का इंतजार रहा, उम्मीदें रही, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपने प्रशिक्षण में इस पूरी परख में कि कहीं हमें आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो तो समूचे देश को इसका फायदा मिले और पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाए। तो इनकी तैयारियां तो लगातार जारी हैं और इनके अभी चुनौतियां भी इनके सामने हैं। हम सब खुशी मना सकते हैं कि वैक्सीन को इजाजत मिल चुकी है और अब जिम्मेदार हाथों में हमारा भविष्य। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।